हे गाइस, कल ब्लाइंड के प्लेयर्स ने म्यांमार के एक मैच में कुछ ऐसा किया था। वो लोग प्लेयर्स को नॉक करके फिनिश नहीं करके छोड़ देते थे। ऐसा ही देख के सोल के मेंबर शॉक हो गए थे। एंड किसी बंदे ने उनको पूछा कि ब्लाइंड के ऊपर कोई पेनल्टी पड़नी चाहिए या नहीं चाहिए। एंड इसके ऊपर बात करते हुए एडविन मांबा एंड सोल रिकार्डोस ने जो बोला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पेनल्टी पड़नी चाहिए किसी ग्राउंड पे पेनल्टी दे नहीं सकते, समझ रहे हो? ये पेनल्टी वाले दे डोंट हैव एनी ग्राउंड्स टू गिव देम पेनल्टी। इट्स टोटली और थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में इतना वो नहीं होते, राइट? वो स्ट्रेटेजी बोल के अगला बंदा अपना वो स्टेटमेंट कर देगा। मैं वेट कर रहा था, बहुत चीजें बोल देगा भाई, स्ट्रेटेजी बता देगा वो। मेरे को लगता है अगर आप किसी बैनर के अंडर खेल रहे हो और अगर आप ई-स्पोर्ट्स में इतनी ऑडियंस आपको देख रही है, आपको ऐसे एक्शंस लेने नहीं चाहिए जिसमें आपके इंटेंशंस डाउटफुल हो जाए। तो ये तो बेवकूफी की हरकत थी। और क्या यार, आप बैनर के अंदर खेल रहे हो, ब्लाइंड का भी ओनर है, वो पैसा जो है डाल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो चाहता है पेनल्टी पड़नी चाहिए किसी ग्राउंड पे, पेनल्टी दे नहीं सकते। ये पेनल्टी वाले सीन नहीं है ब्रो, दे डोंट हैव एनी ग्राउंड्स टू गिव देम पेनल्टी, कोई ऐसा रीजन नहीं है। और थर्ड पार्टी टूर्नामेंट में इतना वो नहीं होते, राइट? वो स्ट्रेटेजी बोल के अगला बंदा बोल देगा कि हाँ मैं वेट कर रहा था, बहुत चीजें बोल देगा भाई। स्ट्रेटेजी ये तो एक होता है कि भाई ये नहीं कर सकते नॉक नहीं करता उसको तो निकल जाता, देख के गनमैन पीछे रख के तो बात अलग थी, तो शायद हो सकता था कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था। वो शिफ्ट आएगा बट नॉक करके फिर छोड़ देना, वो छोड़ा नहीं होगा उसके हिसाब से, वो कोई और स्ट्रैट भाई लॉस के अंदर आ जाओ। मेरे को लगता है अगर आप किसी बैनर के अंदर खेल रहे हो और अगर आप स्पोर्ट्स में इतनी ऑडियंस आपको देख रही है, आपको ऐसे एक्शंस लेने नहीं चाहिए जिसमें आपके इंटेंशंस डाउटफुल हो जाए। प्लस तो ये तो बेवकूफी की हरकत थी। उस टैग पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो टैग की रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज करने में मजा अले तो और चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। बट चलिए, टीम गॉडलाइक के खिलाड़ी हमें दिख रहे हैं क्योंकि बहुत कम लोगों को टैग लगाने मिलता है। अलादीन लोग तो वीडियो अच्छी लगी तो कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब।